तो कितना को दवाई खा लेते हैं और वही बुखार हम लोग को कैंसर तक ले आते हैं, क्योंकि जब ये बुखार आता है हाई पावर में और हम लोग इंग्लिश दवा छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, बहुत सारा सेल को डैमेज करता है। अब आप लोगों को घबराने का जरूरी नहीं है। ये एक गिलोई और एक ये ब्लैक कॉमी, ये दोनों बुखार के लिए है। अगर आप इस घर में रखते हैं एक एक डिब्बा, इस दोनों का ज़्यादा दाम भी नहीं है। अगर बुखार आया, अगर ये नॉर्मल सा आयुर्वेद सिरिंच देते हैं तो आपका बुखार से टाइफाइड बुखार नहीं होने देगा, मलेरिया बुखार नहीं होने देगा, कभी बुखार से आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये दोनों लेना ज़रूरी है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें से एक लेना चाहिए नाश्ता के बाद, इसमें से भी एक लेना चाहिए। अगर ज़्यादा बुखार परेशान कर रहे हैं तो दो दो भी आप ले सकते हैं नाश्ता के बाद, दो इसमें से, दो इसमें से, दो सुबह दो शाम। अगर ज़्यादा है तो आप एस्पायलूना भी खा सकते हैं, क्योंकि ये जो एस्पायलूना है ये नेचुरल प्रोडक्ट है। बुखार लगने से क्या होता है, हम लोग का शरीर कमज़ोर हो जाते हैं, खाना पीना खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इससे क्या होता है और कमज़ोरी दाब देता है। और जब ये कमज़ोरी होता है तो तब ये बुखार बराबर आता रहता है। अगर ये एस्पायलूना आप लेते हैं, ये ब्लड भी बनाता है, अगर खाना नहीं भी खाते हैं इसको खाली पेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मुँह तीतापन हो जाता है तो बुखार में कहता है इंग्लिश दवा को जब तक कुछ नहीं खाएं तब तक इंग्लिश दवा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों को जो ये एस्पायलूना है, आप कुछ भी नहीं खाएं, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। आप तीन चार सुबह शाम रात ले सकते हैं। अगर चार चार को आप तीन टाइम लेते हैं तो आपका बुखार मजाल नहीं है कि दूसरे दिन आ जाएगा, क्योंकि जो कमी रहता है ये एस्पायलूना पूरा कर देता है। तो आपको बुखार आने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में क्या है, परेशान होने में लोग को मज़ा आता है। जीएल भी आपको अगर तुरंत एक्शन में आना चाहते हैं तो जीएल भी ले सकते हैं, लेकिन तो लोग सहता है सस्ता वाला चीज़ तुरंत हम ठीक हो। वहाँ तो मार्केट में जाते हैं तो काल्पो केमीफ्लान एलजीपो हमको 10 रुपया में मिल जाता है, तो हम 10 रुपया में ठीक ना हो जो 1000 रुपया में ठीक हो, लेकिन इसी सोच को बदलना है। 10 रुपया में तो आप तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कितना सेल को आपको ख़त्म कर देता है और कितना बीमारी पैदा करता है, इस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ 1000 रुपया जो खर्च करते हैं तो आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है और सेल को बनाता है। इसी सोच को बदलना है, क्योंकि कोई क्यों कहता है कि हम अच्छा चीज़ ले अच्छा चीज़ खाएं तो हमारा शरीर बचा रहेगा, तो यही है अच्छा चीज़। अच्छा अगर ले लीजिएगा तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, अगर इंग्लिश दवा 10-20 वाला लीजिएगा तो तत्काली तो आपको राहत मिल जाएगा, आने वाला समय में क्या होगा सो आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब होगा तब पता चलेगा, शुरू में आपको भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। जब 5 साल बीतेगा 2 साल बीतेगा तब कहिएगा कि हमको तो ये बीमारी हो गया है, आखिर इस हुआ कैसे, इस चीज़ को सोचना है। अगर आप ये पहले से जो 1000 रुपया खर्च कर देते तो आपका ये बीमारी नहीं होने देता। अब इसी 1000 को बचाएं और 10 रुपया को लिए तो आप 1000 का बदला 10000 खर्चा कीजिए और शरीर भी ख़त्म कीजिए। अगर इसी 1000 को शुरू में ले लेते तो शरीर भी बचा रहता और आपका ठीक भी हो जाते। तो सोच को बदलना है। बच्चे सब में बुखार लगता है तो ये जो आप बताएं ब्लैक कॉमी नंगी रोटी को आधा आधा जैसे बच्चे को बुखार लगता है तो आधा पानी में घोल कर पिला सकते हैं, आधा शुष्क गर्म पानी में। ये भी अगर ये भी टैबलेट खाता है बच्चे तो ठीक है, नहीं तो पानी में घोल कर दो इसमें से बच्चे को दो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको खाने से, लेकिन इस दोनों को आधा आधा समझे। तो इसके लिए आपको अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक जागरूक नहीं होइएगा तब तक आज के समय में आपका शरीर नहीं बचेगा। बार बार हम यही बात बोल रहे हैं कि अपने आप को बचाना है
तो आयुर्वेद को अपनाना है। अगर अपना शरीर को नहीं बचाना है तो आयुर्वेद को ठुकराना है। अब इसी बात को आप समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर आप समझदार हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, नहीं समझदार हैं तो आप दूसरे को क्या लीजिएगा, पैसा भी जाएगा, अपना आपका जान जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो आप लोगों को समझा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जागरूक कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, मर्जी आपका, आपको आप मर्जी को ढूंढना है कि हम गलत पर चलें या अच्छा पर चलें। भगवान आपको अच्छा राह दिखा दिए हैं, जो अच्छा राह पर चलिएगा तो आने वाला समय में अच्छा मिलेगा, अगर बुरा पर चलिएगा तो बुरा मिलेगा। उसके बाद आप रोइएगा, रोने से कुछ नहीं मिलेगा, जागरूक होइएगा तो सब कुछ मिलेगा। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग।